पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। उस मनोरमा ने भेजा था अपनी माँ की वजह से अभिमन्यु जैसे सोचना समझना ही भूल गया। बेटा अगर तुझे अपनी शादी बचानी तो अभिमन्यु को मनोरमा की मुट्ठी से आजाद करना होगा। तेरी मम्मी सही कह रही है बेटा, जिसे मैंने बहन माना, हमने अपना समझा, उसी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सबसे पहले उसने अभिमन्यु और गज्जू के साथ इतना गलत किया, सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, उसके बाद वो बच्ची के लिए फिरौती के पैसे देने से मना कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा हक उन पैसों के ऊपर अंगद से भी ज्यादा उस बच्ची का था। कहते हैं कनक खट विष भरा, मनोरमा बस वही है बेटा, बस। आप दोनों को मैंने माँ बाप की तरह समझा और आप हैं कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार आप मुझे ही ठहरा रहे, और आप अपनी बेटी के ससुराल में आकर इतनी ऊंची बातें। क्या हुआ अभिमन्यु? बेटा क्या हुआ अभिमन्यु? मेरी आपको मैं छोटी माँ बुलाता हूँ और आज आप मेरे घर में आके मेरी माँ की बुराई कर रही है। और आप सही गलत और धोखे की बात करते हैं। आप ये जानते थे कि आपकी बेटी की शादी बचपन में मेरे साथ हो चुकी है, आप उसकी दूसरी शादी कराने वाले थे और वो भी खुद की मर्जी से। कहाँ गया था आपका सही गलत? अभिमन्यु ये क्या बोल रहे हैं? मामा आज मेरे बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। अभिमन्यु देखो। देखा मैंने नियति, सब देखा मैंने, कैसे तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ही मेरी गुड़िया का कातिल घोषित कर दिया। और तुम यहाँ बैठी हो चुपचाप सुन रही थी। एक टाइम था नियति जब तुम मेरे खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनती थी। मुझे कोई पागल बोलता था ना तो सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें होता था। इन सबसे वादा तोड़ करके तुमने मेरा हाथ थामा था और आज तुमने मुझे मेरी गुड़िया का। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।